सदियां जो है तकरीबन 200 साल जिसको हम कह सकते हैं राज किया है। और एजुकेशन मिशन चेयरमैन पुंछ उनका भी वेलकम करता हूँ। इसी के साथ वेलकम करता हूँ सरदार मनमोहन सिंह जी लेक्चर उनका भी वेलकम करता हूँ। जांगर मीर जी और शहीद मेरे भाई, आज का जो दिन है मेरे ख्याल से सबको पता है, ये जो 23 मार्च है यहाँ पर हमारे जो भाई शहीद हुए थे जिनका नाम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव था, देखा जाए तो इनको फांसी जो 24 को होने वाली थी लेकिन ये जो गोरी सरकार है, उस वक्त की बात करूंगा मैं जब एक जलजला आया तो इन अंग्रेजी सरकारों ने बहुत ही परेशान हो गए। लेकिन शाम का टाइम 7 बजे का टाइम जब इनको फांसी देगी तो जो सरकारें थी गोरी सरकार ये घबरा गई कि हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि जिन लोगों की वजह से हमें आज खुले माहौल में सांस लेने का मौका मिल रहा है, हम आजादी से जो है घूम सकते हैं, जिन लोगों की वजह से हमें डेमोक्रेटिक राइट मिला है। मैं खुद एक पेशे से वकील हूं। एक दौर ऐसा होता था अंग्रेजों के दौर में कि खुल के आप अपनी बात नहीं कर सकते थे, हमने अपनी जमीनों का जो वह लगान देना पड़ता था, हमें कहीं भी जाना तो एक वो घुटन सी महसूस होती थी कि हम किसी के अंडर में बन चुके हैं। तो इन लोगों ने ये शहादत जो है, ये हमें आजादी जो आज हमें मिली, तो इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां जो हैं उस आजादी में रही। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद भगत, सुखदेव जी, राजगुरु जी, इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दे के जो है हमें नया हिंदुस्तान जो हमको दिया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये हम हर हिंदुस्तानी पे ये फर्ज आयत होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो। मिशन के चेयरमैन हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, आप सबको पता है इस बात का। आफ्ताब गनई साहब जो हमारे टैलेंटेड यूथ हैं और बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, और यहाँ संजीव शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने जिनके यहाँ इदारे में इतना बड़ा ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं, और अंकल जी जितने भी यहाँ बच्चे जो बैठे हुए हैं उनको भी मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम, मतलब मैं ऐसा बताता हूँ कि आज सुबह ही जब मार्टियर्स, क्योंकि हमें पहले से था कि 23 मार्च को जो है वो मार्टियर्स डे उसकी याद में, तो मैंने सबसे पहले फेसबुक अपना अपडेट किया, आप चेक भी कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में जैसे मैं निकला तो सबसे पहले मैंने अपने फेसबुक को अपडेट किया इनकी याद में। तो मेरा दिल करता था कि ये प्रोग्राम होना चाहिए, यकीन माने मैं डॉक्टर सरफराज साहब को बताना चाहूँगा कि सर ये प्रोग्राम मैं अपने दिल में सोच रहा था कि किसी जगह ये प्रोग्राम होना चाहिए, और जैसे ही मुझे ये पता चला यहाँ तो मैं मतलब अपने सारे 10 काम छोड़ के यहाँ पहुँचा हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स का होना इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ याद नहीं रखेंगे तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि आज जो हम मतलब एक खुली सांस, खुली हवा में जो ये सांस ले रहे हैं, अपनी जिंदगी कुर्बान की, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। फांसी के रस्से पे झूलने के लिए अपने आप को तैयार किया, खुद माँ बाप ने, तो हम देने के लिए तैयार है। 24 साल की उम्र है भगत सिंह की, 24 इयर्स। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, 24 साल की उम्र है, और 24 साल की उम्र में जिस दिन उसका जन्म हुआ, दो चाचे और बाप अंग्रेजों की कैद से उसके रिहा हुए, या कमाल की जो है उनकी फैमिली बैकग्राउंड है, उनके साथ जो बाकी शहीद होने वाले हैं, किसके लिए, कि वो जो ताकतें जिन्होंने हमारी एजुकेशन पे कब्जा किया हुआ था,
उनकी मर्जी से हमें एजुकेशन मिलती थी, हमारी डेमोक्रेसी पे कब्जा किया हुआ था, उनकी मर्जी से हमें डेमोक्रेसी मिलती थी, हमारी नौकरियों पे कब्जा किया हुआ था, उनकी मर्जी से हमें जो है वो नौकरियां मिलती थी, हमारी जमीनों पे उनके कब्जा था कि हमें उन पर टैक्स देने पड़ते थे, हम जो है वो किसी भी जगह पे जाते थे यहां तक लिखा हुआ मिलता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कुत्ते से भी बदतर हालत करके रखी हुई थी। तो इन लोगों ने उस वक्त कुर्बानियां देके शिरकत की है और अपना एक फर्ज निभाया है। क्यों? मेरे से पहले जितने भी वक्ता यहाँ बोले उन्होंने बिल्कुल विस्तार से बताया, डिटेल में बताया कि आज का दिन है क्या, हम क्यों इसको मना रहे हैं या उन शहीदों को क्यों याद कर रहे हैं। और आज एक बात और है कि आज का ये जो प्रोग्राम है हम दिन को स्कूल में भी रख सकते थे, स्कूल में भी स्टूडेंट थे। गगन जी कहने लगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, मैंने कहा आज ही देखो कि शाम को ट्यूशन सेंटर के बच्चे होते हैं तो शाम को हम प्रोग्राम रखते हैं, एटलीस्ट हमारे बच्चे जो है वो हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारे खासकर वो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनको भूलते जा रहे हैं। दिवाली बनानी हो, ईद बनानी हो, गुरपुरब बनाना हो, होली बनानी हो, हमारे बच्चों को सब याद, आज होली है, होली के दिन ये होता है, दिवाली है ये होता है, आज गुरपुरब बना रहे हैं ये है, ईद बना रहे हैं ये है। लेकिन जो इस आज़ाद हवा में, इस आज़ाद फिज़ा में हम ये सारे त्यौहार बना रहे हैं वो किन लोगों की देन है शायद हम ये लोग भूलते जा रहे हैं। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम बच्चों के साथ आज का दिन जो है वो बनाएंगे ताकि उनको पता चले कि ये लोग कौन थे। भगत सिंह जी की तस्वीर देखते हैं, जब अभी मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भगत सिंह जी की एज क्या थी, 24 साल, 24 साल एक स्टूडेंट लाइफ होती। आप सब मैक्सिमम यहाँ बच्चे बैठे हैं कि 18 साल का, कोई 20 साल का, 24 साल कोई बड़ी एज नहीं होती। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी खेलने कूदने की उम्र है, नहीं, उन्होंने ये समझा कि अगर आज हम कुर्बानियाँ देंगे तो आगे जो हमारा फ्यूचर है, कल हमारे जो बहन भाई होंगे वो इस गुलाम ने इसी जो है इनको फांसी दे दी। और फिर देख लीजिए शमशान घाट पे कितना उनको बदलना पड़ा। और ये कि अंग्रेज वहाँ लाशें छोड़ के भाग गए, और ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कभी किसी उस चीज़ के लिए नहीं किया। अभी भी आप सेकुलरिज्म की जो बात करते हैं, ये लोग हमेशा सेकुलर होते हैं, ये इनकी समझ से, हमारी समझ से ये आगे होते हैं। इनमें वही होती है कि कुछ देशभक्ति का जज्बा, जुल्म के खिलाफ लड़ाई, इंसाफ, इंसाफ दिलाने की बात जिस आदमी में आ जाए उसकी ये परमात्मा की तरफ से दी हुई होती है, वाहेगुरु इस सोच कर करता है, ये आम आदमी के पास की रोग नहीं है। आज जिस तरीके से अंग्रेजों ने से हमने आज़ादी ली उसमें इन लोगों का जितना योगदान रहा है उसमें ये है। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगी इस मकसद में कि आप इसको किसी एक फिरके के साथ जोड़ के कभी ना मनाएं। आज इसमें तो अच्छी बात है आपने चंद और भी लोग आ गए इसमें मिले, अगर हमें पता होता ये विकी ने अच्छा किया कि यहाँ पर दिया, हमें और पता होता इसको ऑर्गेनाइज करके हर तरीके से हम बनाएं। ये नहीं है हम इसमें कोई इसका कोई और किसी किस्म का फ़ायदा हो, ये हो कि छोटे बच्चों में ये आज किस आज का जो इसरा कहते हैं देशभक्त कहते हैं, हम अभी आधे ही, हम पूरे देशभक्त नहीं। और आदमी अपने देश का वफादार नहीं है, जो आदमी अपने अपनी स्टेट का, महल्ले का, अपने घर का वफादार नहीं है वो कभी भी किसी का वफादार नहीं हो सकता। आज जिस आज़ाद मुल्क में और आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं वो आज़ादी की देन हमारे पूर्वजों की, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम सब एक ऐसे मुल्क में हैं जिसे आज़ाद हिंदुस्तान कहा जाता है। बच्चों, जब हमारा मुल्क ब्रिटिश का गुलाम था तो जो आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई वो 1857 में लड़ी गई, और वो लड़ाई पहली आज़ादी की लड़ाई थी, वो चिंगारी थी जो 15 अगस्त 1947 को
को आग बन के ब्रिटिश हुकूमत पे पड़ी और हमारा मुल्क आजाद हुआ। 1857 से लेके 1947 तक हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां शामिल हैं इस आज़ादी में, लेकिन आज भी हमें सिर्फ वो शहीद याद हैं जिन्होंने पहल की, जिन्होंने उस सोच को जन्म दिया कि हमें अपने मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना है। 1857 में जो पहली लड़ाई लड़ी गई, उनके जो पहले फ्रीडम फाइटर वॉरियर थे मंगल पांडे थे, और 23 मार्च 1931 यानी कि आज से काल 90 साल पहले जो तीन शहीद जिन्होंने उस आज़ादी की लड़ाई में वो नया जोश वो नई सोच भर दी अपनी जानों की कुर्बानियां देके, जिनमें भगत सिंह जी नौजवान डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से और हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं हैरी पब्लिक मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल संजीव शर्मा की तरफ से और हमारे जो वार मंडल के जो हमारे जो हैं परमजीत सिंह मिंटू की तरफ से और हमारे गुरु रामदास सोसाइटी की तरफ से आज मिलकर हमने भगत सिंह राजगुरु सिद्धदेव का जो हो आज शहीदी दिन बनाया। आज के दिन वो 1931 में 23 मार्च को लाहौर में फांसी के तख्ते उन्होंने चूमे, उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। उस समय अंग्रेज़ों ने काला कानून लगाया किसानों के खिलाफ, उसमें बहुत बड़ा विशाल रैली हुई लाहौर में जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हुई और अंग्रेज़ों की लाठियों से उनकी मौत हुई। इसका बदला उन्होंने सैंडर्स को मार के लिया और उसके बाद उसने असेंबली में भी उन्होंने बम फेंकी और वहाँ पर पर्चे बांटे, किसी को हाथ नहीं किया, किसी की जान ली, कहा कि अंग्रेज़ इस देश को छोड़ के चले जाओ और ये काला कानून वापस करो, और उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक इस देश की कुर्बानी के लिए उनको फांसी दी गई। फांसी जो है 24 मार्च को देनी थी, मगर पूरा देश जो जागृत हो चुका था उन्होंने इस डर के मारे रात को 23 मार्च को लाहौर में उनकी फांसी दे दी। आज उनका हम आज हमारा देश जो आज़ाद हो चुका है उनकी कुर्बानी की वजह से, आज हम इस दिन को हर साल की तरह बढ़ चढ़ के मनाते हैं और अपने यूथ को आने वाले ये इनका इतिहास बताते हैं और यूथ को ये बताते हैं कि आप ड्रग्स और नशे को छोड़ के इन देशभक्तों के इतिहास से जुड़ो और इस देश को मजबूत करो। थैंक यू।